Hey guys, welcome back to CMA Junction. ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का 45th लेक्चर है जिसमें हम अपना चैप्टर दैट इज टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कंटिन्यू करने जा रहे हैं. टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई में इससे पहले हमने रूल नंबर 27 देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में. उस रूल 27 से रिलेटेड एक केस लॉ आपकी बुक में दावा है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. देखिए केस लॉ क्या है. CCEX मुंबई वर्सेस फीएट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड 2012 283 EAT 161 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसके ऊपर. ठीक है. फीएट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है जो कि मोटर कार्स मैन्युफैक्चर करती है. ठीक है. इसने ये होलसेलर को अपने कार्स बेचती है. कौन सी? फीएट यूएनओ मॉडल कार्स. ये किस पे बेच रही है? एट बिलो कॉस्ट. बिलो कॉस्ट मतलब जो भी इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उससे भी ये नीचे पे इन कार्स को बेच रही है. ठीक है. और सफ़र कर रही है लॉसेस. ठीक है. ये करने का उसका रीज़न क्या था? पर्पज़ वॉज टू पेनिट्रेट द मार्केट. मार्केट को ग्रैब करने का इसका पर्पज़ था एंड कम्पीट विद द अदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिमिलर गुड्स. सिमिलर जो कार्स बनाते हैं उनके साथ इनको कम्पीट करना था इसलिए इन्होंने इनकी जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसको कम रखा था. लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इन्होंने कम रखा था वो अब जो भी प्राइस रखा था वो नॉट बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट वाला कॉस्ट इनका मीन्स सेल वैल्यू नहीं था. ठीक है. ये काम लॉस पे बेच रहे थे वो मतलब उन्होंने प्रॉफिट भी कुछ अर्न नहीं किया था और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो भी उनका कवर नहीं हो रहा था. लॉस पे बेच रहे थे और ये वो कब तक कर रहे थे? हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. 5 ईयर्स तक ये काम कर रहे थे वो. ठीक है. तो असेसी ने क्या बोला मतलब फीएट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बोला कि हम जो है हम सोल कंसिडरेशन चार्ज करते हैं. जैसे समझ लीजिए कार थी 5 लाख रुपए की. ठीक है. 5 लाख रुपए अगर आप प्रॉफिट ऐड करके बेचते तो ये होता लेकिन वो लॉसेस पे बेच रहे 4,50,000 पे. ठीक है. लॉसेस इनकर करके 4,50,000 में बेच रहे हैं. 5 साल से यही हो रहा है. ठीक है. तो फीएट ने क्या बोला एज प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. जो हम 4,50,000 कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा सोल कंसिडरेशन है. द कार्स आर सोल्ड टू नॉन रिलेटिव बायर्स मतलब जो हम बायर्स जिनको बेच रहे हैं वो नॉन रिलेटिव हमारे रिलेटिव भी नहीं है. इसीलिए जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 4,50,000. ये मैंने एग्जांपल लिया 5 लाख और 4,50,000. रियलिटी ये नहीं था. ठीक है. देयरफॉर सच सेलिंग प्राइस दैट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू जो कि 4,50,000 है वही हमारा सोल कंसिडरेशन है. उसी के ऊपर GST लगना चाहिए. इनका बोलना ये था फीएट वालों का. ठीक है. लेकिन जो डिपार्टमेंट है ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स उसने क्या बोला देखिए. एक्स्ट्रा कमर्शियल कंसिडरेशन वॉज इन्वॉल्व इन द केस ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन शुड बी एडेड टू द प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ ड्यूटी therefore बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हैज बीन invoked. इन्होंने क्या बोला कि आपका एक्स्ट्रा कमर्शियल कंसिडरेशन लग रहा है आपके आप जितने में बेच रहे हैं उससे ज्यादा प्राइस इसका चार्ज लग रहा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर. ठीक है. और उस एडिशनल कंसिडरेशन को आप ऐड नहीं कर रहे हैं प्राइस में उसको आपको ऐड करना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में. दैट इज रूल नंबर 31 के हिसाब से आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. अब इसके लिए इन्होंने क्या गया ये कोर्ट के पास गए. अब कोर्ट का क्या बोला गया कोर्ट ने क्या बोला वो देखिए. डिसीजन ऑफ द केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ड्यूटी हैज़ टू बी पेड. ड्यूटी आपको पे करनी है ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू. ये कब होता है? सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से. सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है ट्रांजेक्शन वैल्यू को वो डिफाइन करता है. इट इज़ द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल जो आपने पे किया या पेबल है फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड. सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड नहीं है और प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई है तब आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या बनेगी वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है. अब देखिए इफ एनी ऑफ द इंग्रीडियंट्स इन द अबव डेफिनेशन इज मिसिंग देन द प्राइस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सोल कंसिडरेशन. अगर ऊपर में कोई भी आपका कोई भी इंग्रीडियंट मिसिंग होता है तो प्राइस जो है आपका सोल कंसिडरेशन नहीं बनेगा. ये बोल आगे क्या बोला गया देखिए. सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दैट दिस इज अ केस ऑफ एक्स्ट्रा कमर्शियल कंसिडरेशन. एक्स्ट्रा कमर्शियल कंसिडरेशन उनका लग रहा है. ठीक है. इन फिक्सिंग ऑफ प्राइस प्राइस फिक्स करने के लिए एक्स्ट्रा कमर्शियल कंसिडरेशन लग रहा है एंड आर्टिफिशियली डिप्रेसिंग इट मतलब जितना कॉस्ट उनका लगना चाहिए था उसको वो आर्टिफिशियली डिप्रेस कर रहे हैं मतलब वो कॉस्ट से भी कम चार्ज कर रहे हैं आर्टिफिशियली. ठीक है. इसलिए फुल कमर्शियल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
एंड सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट जो है वो आपके प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिलो रखा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बिलो रखा था आपने अपना प्राइस, ठीक है, इसलिए प्राइस जो है आप कंसिडर नहीं कर सकते सोल कंसिडरेशन। ये क्यों किया गया, देखिए कोई भी प्रूडेंट बिजनेस, मतलब जो सही तरीके से बिजनेस जो इस काम के लिए बनता है, वो बिजनेस कभी कंटिन्यूअसली यूज और सफर नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ पेनिट्रेट करने के लिए मार्केट के लिए वो उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्ट करेंगे रीजनेबल इनकम अर्न करने के लिए, ठीक है। 5 साल तक कोई भी बिजनेस प्रॉफिट बिना अर्न किए चल ही नहीं सकता, वो बिना मतलब का अपना कैपिटल खराब कर रहे हैं जस्ट टू पेनिट्रेट द मार्केट, ठीक है। प्रिजर्व सीक रीजनेबल इनकम, प्रिजर्व कैपिटल एंड इन जनरल अवॉइड स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट्स। जो बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रीजनेबल इनकम अर्न करते हैं, एटलीस्ट रीजनेबल इनकम, अपना कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं और स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते जहाँ से आपका स्पेक्यूलेटिव है, ज़्यादा इनकम नहीं आने वाली है। इसीलिए ये इमटेरियल है कि कार्स आपने रिलेटेड पर्सन को बेचा या ना बेचा, आप कम रेट में बेच रहे, बहुत पीरियड ऑफ टाइम से बेच रहे हैं, तो आप ये अपने साथ भी गलत कर रहे हैं और मार्केट को आप एक से एक्सपैंड मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप या तो अपनी प्राइस बढ़ा दीजिए या तो फिर आप जो जीएसटी प्राइस के ऊपर लगना चाहिए वो प्राइस एज पर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पे कर दीजिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो किसके तरफ था, एज दैट डिपार्टमेंट के साइड उन्होंने साथ दिया, ठीक है, क्योंकि फीएड का जो कहना था वो गलत था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है, ये हमने देख लिया, जो हमने कल रूल नंबर 27 देखा था उससे रिलेटेड था ये, ठीक है। अब रूल नंबर 28 क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एजेंट्स। एजेंट्स के अलावा आप किसके बीच में सप्लाई हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट या फिर रिलेटेड, दोनों दोनों क्या होते हैं हमने पहले ही देख चुके हैं, हमने पहले के क्लासेस में मैम कहाँ पे देखा था हमने रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो आपको लेक्चर नंबर 6 देखना पड़ेगा ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हमने लेवी और कनेक्शन जिसमें हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 6, उसमें आपको फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही हमने रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को डिस्कस किया है कि वो होते क्या है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 28 क्या बोल रहा है, आप कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ किसके बीच में, डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पर्सन के बीच में, अदर देन थ्रू एजेंट्स, एजेंट्स के थ्रू आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई किसके बीच में हो रहा है, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच में, लेकिन एजेंट के थ्रू नहीं हो रहा है। तब आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन अदरवाइज देन थ्रू एजेंट शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओपन मार्केट वैल्यू, सेम जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था रूल 27 में। नेक्स्ट, ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ठीक है। इससे पहले हमने रूल 27 में यहाँ पे एक और पॉइंट देखा था, वो रिलेटेड टू आप मनी वैल्यू ले लीजिए, मनी कंसिडरेशन ले लीजिए और मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन ले लीजिए, वो था। लेकिन इसके केस में आपको वो अवेलेबल नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू लीजिए या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी लीजिए। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू इज नॉट डिटरमाइनेबल, ए बी से आपको वैल्यू नहीं पता चल रही है, तो आप रूल नंबर 30 में जाइए जो कि 110% लेने बोल रहा है, ठीक है, या फिर रूल नंबर 31 में जाइए इन दैट ऑर्डर। रूल 30 नहीं काम कर रहा, तब आप रूल 31 में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है टू सप्लायर्स, क्या ऑप्शन दिया गया, इफ गुड्स आर सप्लाइड एज सच बाय द रिसिपिएंट। देखिए ये है ए, ये है बी, दोनों समझ लीजिए रिलेटेड पर्सन हैं, ठीक है। ए ने बी को गुड सप्लाई किए, अब जो ये बी है, बी के पास ऑप्शन है कि जब ये जाके आगे अनरिलेटेड पर्सन किसी सी को बेचेगा गुड्स, तो वो क्या करे, वैल्यू क्या ले, 90% ऑफ द प्राइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर। मतलब जब बी सी को बेचे तो वो 90% ऑफ द प्राइस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ले सकता है, ठीक है। जितने में उसने सप्लाई किया उसका 90% उसका क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके पास तीन ऑप्शन है, ए दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू ले ले, या फिर लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला ले ले, फिर या फिर रूल 30। ये ऑप्शंस नहीं है, देखिए ए बी सी में से तीनों में से कोई एक उसको फॉलो करना पड़ेगा। ए अगर फॉलो नहीं हो रहा है किसी रीजन से, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता चल रही है, तब आप आएंगे सेकंड में,
सेकेंड भी नहीं पता चल रहा है तो आप आएंगे थर्ड में, ठीक है। थर्ड में से रूल 30 है या फिर रूल 31 आएगा, उसके बाद रूल 30 के बाद रूल 31, ठीक है। फिर इससे भी आपको नहीं पता चल रहा है तब ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है और ये वाला ऑप्शन देखना है। दोनों में से जो आपको सस्ता पड़ रहा है, जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी कम आ रही है, वो वाला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी एक ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है आपके पास कि ये वैल्यू इज इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस आप ले लें, ठीक है। अब देखिए, रिसिपियंट अगर एलिजिबल है ITC के लिए, फुल ITC अगर वो क्लेम करने के लिए एलिजिबल है रिसिपियंट, तो उसका इनवॉइस वैल्यू इज एक्सेप्टेड एज ओपन मार्केट वैल्यू। उसकी इनवॉइस वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू ही हो सकती है, वो ये वाला ऑप्शन यूटिलाइज नहीं कर सकता अगर वो ITC क्लेम कर रहा है तो, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया हो। बाकी हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखिए, एग्जाम्पल है आपकी न्यू बुक से पेज नंबर 209, मेजर्स एक्स लिमिटेड ओन्ड फैक्ट्री इन चेन्नई। कहाँ पे उसकी फैक्ट्री? तमिलनाडु चेन्नई में, और उसका एक डिपॉट है कोचिन केरला में। डिपॉट इन कोचिन इज रिक्वायर्ड टू अप्रेंट सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज दे आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया, इसलिए जो कोचिन का डिपॉट है उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, ठीक है, ऑफ द CGST एक्ट। द गुड्स मैनुफैक्चर्ड इन चेन्नई फैक्ट्री विल बी ट्रांसफर टू कोचिन डिपॉट में ट्रांसफर होते हैं, वेयर इट विल बी सोल्ड एज इट इज, जहाँ पे वो एज इट इज सोल्ड हो जाते हैं, ठीक। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपॉट ऑन 8 February, 8 February को गुड्स ट्रांसफर हुए फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपॉट, कितने हुए? 1000। उनकी प्राइस क्या थी? फैक्ट्री प्राइस एट फैक्ट्री कितनी थी? 200, और डिपॉट में प्राइस कितनी हो गई? 220। GST कितना लगना है? 18%। गुड्स एक्चुअली सोल्ड एट डिपॉट ऑन 18 February, कितने गुड्स डिपॉट में सोल्ड हुए? 750, जिनको फैक्ट्री की कॉस्ट 220 बताई गई और प्राइस एट डिपॉट 250 बताया गया। रेट कितना है? 12%। आपको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ गुड्स, IGST लाइबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ मेजर्स एक्स लिमिटेड ऑफ चेन्नई, ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करनी है। डिपॉट इन चेन्नई इज नॉट अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने बोला अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हो तो तुम्हारे पास वो 90% वाला ऑप्शन गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर रहे हैं तो आप वो जो 90% वाला ऑप्शन है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक। अब एज हमको यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है ओपन मार्केट वैल्यू, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन आता है लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गुड की बात की गई है, दूसरे गुड्स की बात नहीं हुई है, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला ऑप्शन भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास 110% ऑफ कॉस्ट ले लो, ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑप्शन, ये 110 वाला ऑप्शन, या फिर आपके पास ये फोर्थ है 90% ऑप्शन, इन तीनों में से जो ऑप्शन आपको लग रहा है वो आपको लेना है, और उसके साथ आपके पास 90% वाला ऑप्शन आता है। तो आपके पास 110 ऑफ कॉस्ट लेना चाहेंगे कि 90% ऑफ कॉस्ट लेना चाहेंगे? ऑफ कॉस्ट ही बात है, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कम बताना चाहेंगे क्योंकि हमको टैक्स कम पे करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे टैक्स जो आए वो कम आए, इसलिए हम कौन सा लेंगे? 90% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 1,98,000, क्योंकि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल कर रहे हैं इसलिए हम 90% वाला ले सकते हैं, ठीक है। 1,98,000 कैसे आया? 220 इंटू 1,000 इंटू 90%, ठीक है। और IGST आप इसके ऊपर निकाल लीजिए एट द रेट 18%, ठीक है। एक्स लिमिटेड के हाथ में आपको बताना है IGST, तो हमने निकाल लिया। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम चेन्नई फैक्ट्री टू कोचिन डिपॉट, मेजर्स एक्स लिमिटेड विल हैव टू डिटरमाइन द प्राइस एट विच डिपॉट विल सेल द गुड्स टू हिज कस्टमर। तो जब चेन्नई फैक्ट्री कोचिन डिपॉट को भेजेगी तो उसको एक्स लिमिटेड को उसी टाइम पर डिसाइड करना पड़ेगा कि वो डिपॉट में कस्टमर्स को कितने में बेचेगी, क्योंकि उसी के हिसाब से हमने प्राइस निकाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एज पर फर्स्ट प्रोविजन टू रूल 28 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ CGST रूल्स प्रोवाइड दैट सच प्राइस शुड बी द प्राइस फॉर सेल ऑफ गुड्स टू अनरिलेटेड पर्सन। वो प्राइस क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स टू अनरिलेटेड पर्सन में जो आप बेचेंगे। मेजर्स एक्स लिमिटेड हैज एन ऑप्शन टू पे ऑन 90% ऑफ सच वैल्यू, दैट इज 90% ऑफ द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम कोचिन डिपॉट, ठीक है। हमने जो ये अमाउंट निकाला है दैट इज 220 इंटू 1000 लिया है, वो किस अमाउंट के ऊपर लिया है? इस अमाउंट के ऊपर, जो प्राइस एट डिपॉट पर यूनिट रहेगा, डिपॉट में ये प्राइस कितना है उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। भले ही डिपॉट बाद में कितने में भी बेचे, हम अपने हिसाब से 220 के ऊपर टैक्स पे करेंगे। कौन पे कर रहा है अभी?
X Limited, that is चेन्नई, जो आपका ओन फैक्ट्री जो चेन्नई में है एक्स लिमिटेड की, वो पे कर रही है. ठीक है, देखिए ये जो टैक्स है, हम जब चेन्नई से कोचिन भेजेंगे तभी हमको ये टैक्स पे करना है, पूरे 1000 पे, भले ही वो कितने में भी बेचें बाद में. तो इसका टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, किसको? कोचिन वाले को. ठीक है, लेकिन अभी जो एक्स लिमिटेड को पे करना है, वो अपने हिसाब से उसने प्राइस डिसाइड किया कि डिपॉट 220 में बेचेगा. ठीक है, तो 220 में बेचने के हिसाब से उसने 18% उसके ऊपर लगना था टैक्स, तो 18% के हिसाब से उसने टैक्स निकाल लिया. ठीक है, जब डिपॉट के पास आएगी वो बात, तो डिपॉट ने उसको 250 में बेचा है, तो डिपॉट अपने हिसाब से वो चीज़ डिसाइड करेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मेजर्स वाई लिमिटेड. नेक्स्ट केस है मेजर्स वाई लिमिटेड, जो फैक्ट्री ओन करते हैं हैदराबाद में, तेलंगाना, एंड वन डिपॉट इन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में. डिपॉट विजयवाड़ा का है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है एज डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 के हिसाब से. जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं हैदराबाद फैक्ट्री में, वो ट्रांसफर हो जाते हैं विजयवाड़ा डिपॉट के लिए, जहाँ पे वो एज इट इज सोल्ड होते हैं. ठीक है, जो डिपॉट है विजयवाड़ा का, वो अवेल कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट. पहले वाले केस में क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा रहा है. ठीक है, अब देखिए, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपॉट ऑन 8th February इज 1000, 200 का प्राइस था, एट डिपॉट पर यूनिट 220 है, रेट ऑफ IGST इज 18%, गुड्स एक्चुअली सोल्ड 750 बेचे गए 220 पे, 220 फैक्ट्री का प्राइस था, बेचे कितने पे गए 250 पे, रेट ऑफ IGST कितना है 12%. ठीक है, आपको बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ IGST लाइबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ चेन्नई, दैट इज यहाँ पे तेलंगाना है, वाई लिमिटेड ऑफ तेलंगाना. ठीक है, तो आपको बताना है उसकी IGST लाइबिलिटी क्या होगी. ठीक है, तो इस केस में आप क्या लेंगे, 1000 इंटू 220 इंटू 90% ले लूँ? आप 90% नहीं ले सकते, एज हमने ITC क्लेम किया है. ठीक है, अब ITC क्लेम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन मार्केट वैल्यू आपको लेनी है, और ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी जिस प्राइस पे हमने भेजा है. ठीक है, 220 हमने ले लिया, तो 220 आपकी ओपन मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे आपको कुछ भी एडअप करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 220,000. ये ITC वाला पॉइंट, ओपन मार्केट वैल्यू वाला पॉइंट हमने कहाँ लिखा है, देखिए, इफ़ द रिसिपियंट इज एलिजिबल फॉर फुल ITC क्लेम करने के लिए, अगर वो एलिजिबल है, तो इनवॉइस वैल्यू क्या एक्सेप्ट की जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू. ओपन मार्केट वैल्यू को ही हम टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे. ठीक है, यही पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ओपन मार्केट वैल्यू जो है उसी को आपको लेना है. ठीक है, आई होप आपको अब ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ हो. रिलेटेड टू रूल 28, जिसमें हम देखते हैं जब वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब हम सप्लाई किसको कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को, लेकिन एजेंट के थ्रू नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 29. क्या बोल रहा है, देखिए रूल नंबर 29, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड फ्रॉम एन एजेंट. अब आ गया एजेंट वाला पॉइंट, पिछले वाले में एजेंट को हटा दिया गया था, अब एजेंट को लेके आ गया है. लेकिन सप्लाई ऑफ सिर्फ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए एजेंट नहीं लाया गया, सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए. ठीक है, तो हमने जो एजेंट वाला पॉइंट स्केड्यूल 1 में देखा था, वो एक बार देख लीजिए क्या था. एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विथआउट कंसिडरेशन. विथआउट कंसिडरेशन के भी अगर आप सप्लाई करते हैं विथ एजेंट, तो उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे. ठीक है, और वो टैक्सेबल होगा अंडर GST. तो देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. जहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, किसके बीच में, प्रिंसिपल एजेंट को भेज रहा है, जहाँ पे एजेंट ने ये अंडरटेक किया कि वो सप्लाई करेगा गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, अब एजेंट बाय एन एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स कौन कर रहा है, एजेंट कर रहा है अपने प्रिंसिपल को, जहाँ पे एजेंट ने अंडरटेक किया कि वो रिसीव करेगा गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, तो आप किस में आइए, आप आइए रूल नंबर 29 में, अगर एजेंट की कोई भी सर्विसेज हैं तो, सप्लाई ऑफ गुड्स में. ठीक है, तो ये रूल एप्लीकेबल है सिर्फ गुड्स के लिए, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है. ठीक है, अब इसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो. ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं मिल पा रही है, तो सेकेंड ऑप्शन, इसी के अंदर और में ऑप्शन है आपके पास, या तो ये, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप. 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपियंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर.
90% ऑफ प्राइस चार्ज गुड्स के लिए चार्ज किया जा रहा है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के लिए कौन चार्ज कर रहा है? रिसिपिएंट अपने अनरिलेटेड कस्टमर से, ठीक है? तो आप वो ले सकते हैं दोनों में से कोई भी। अगर आपके पास ना ही ओपन मार्केट वैल्यू है ना ही गुड्स की लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू आपको पता है, तो आप जाइए नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई ले लो। ये भी नहीं हो पा रहा है तो थर्ड पॉइंट में चले जाओ, दैट इज बेस्ट जजमेंट मेथड। ये रूल नंबर 30 है और ये आपका रूल नंबर 31 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है? अब इसका डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए रूल नंबर 29 एग्जांपल 104 पेज नंबर 210। अ प्रिंसिपल सप्लायर्स ग्राउंड नट दे रहा है। प्रिंसिपल किसको सप्लाई कर रहा है? एजेंट को। एंड एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंड नट ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाइज एट अ प्राइस ऑफ 5,000 पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ द सप्लाई। अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर इज सप्लाइंग ग्राउंड नट्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू द सेड एजेंट एट द प्राइस ऑफ 4,550 पर क्विंटल। क्या बोल रहा है पॉइंट देखिए। प्रिंसिपल है जो सप्लाई कर रहा है ग्राउंड नट अपने एजेंट को, और एजेंट वो ग्राउंड नट एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंड नट लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाइज में उसको कितने में बेच रहा है? वो 5,000 पे, ठीक है? प्रिंसिपल जो एजेंट को बेच रहा है ग्राउंड नट, वो एजेंट 5,000 पे दूसरे कस्टमर्स को बेच रहा है, ठीक है? और जो एक और इंडिपेंडेंट सप्लायर है, ठीक है, एक और इंडिपेंडेंट सप्लायर है, वो क्या कर रहा है? वो भी ग्राउंड नट दे रहा है किसको? एजेंट को। कितने में दे रहा है? 4,550 पर क्विंटल में, ठीक है? वही एजेंट किसको दे रहा है? कस्टमर को 5,000 पे, जो प्रिंसिपल उसको भेज रहा है। और इंडिपेंडेंट कोई पर्सन दे रहा है कितने में? 4,550 में। तो प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शन है टैक्स पेमेंट के, ठीक है? या तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ले ले, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है? 4,550, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट से एजेंट ले रहा है, ठीक है? या फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ले ले जितने में एजेंट बेच रहा है उसका 90%। एजेंट कितने में बेच रहा है? 5,000 में। 5,000 का 90%, दैट इज 4,500। तो दो ऑप्शन है हमारे प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल आपके हिसाब से कौन सा अवेल करना चाहिए? 50 रुपये ज़्यादा वैल्यू ऑफ सप्लाई माना चाहिए कि 50 रुपये कम माना चाहिए? ऑफकोर्स सी बात है, प्रिंसिपल जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई 4,500 मानेगा। ये कौन सा वाला पॉइंट देखा हमने? फर्स्ट पॉइंट, जिसमें ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90%, आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेजर्स पी लिमिटेड बीइंग अ प्रिंसिपल सप्लाइज लैपटॉप टू हिज एजेंट एंड एजेंट इज सप्लाइंग लैपटॉप ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाइज। मेजर्स पी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु, एजेंट इज लोकेटेड इन नागरकोली तमिलनाडु, गुड्स सप्लाइड ऑन 15th November बाय द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। Selling price on 15th November 1000 units, price at which principal sells to agent nil, price at which agent supplies to his customer not being a related person 22,000, rate of GST 18%. Goods procured by agent from other independent supplier supplying laptops of like kind and quality is 20,000 per unit on 15th November. Find the value of taxable supply of goods and GST in the hands of Measures P Limited of Chennai. क्वेश्चन सिमिलर ही है ऊपर वाले से। देखिए, मेजर्स प्री लिमिटेड जो कि प्रिंसिपल है वो लैपटॉप दे रहा है अपने एजेंट को, कितने में दे रहा है? एजेंट को कितने में दे रहा है? निल में दे रहा है, उससे कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा है। कितने यूनिट्स बेच रहा है? 1,000, ठीक है? लेकिन जो एजेंट है वो कितने में बेच रहा है अनरिलेटेड पर्सन को, मतलब कस्टमर जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, वो कितने में बेच रहा है? 22,000 में एजेंट बेच रहा है, ठीक है? उस पर GST लगना है 18%। अब एक और इंडिपेंडेंट सप्लायर है, ठीक है, वो एजेंट को दे रहा है कितने में? 20,000 में। इंडिपेंडेंट सप्लायर है, समझ लीजिए ए है जिसने बी को दे दिया 20,000 में, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तो 20,000 में दिया है, 15th नवंबर की ही ये प्राइस है। तो आप के पास दो ऑप्शन आता है प्रिंसिपल के पास, या तो वो जो एजेंट बेच रहा है उसका 90% ले ले, 90% ऑफ 22,000, या फिर वो 20,000 को अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ले जो कि इंडिपेंडेंट सप्लायर बेच रहा है, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ सप्लायर शैल बी मेड बाय प्रिंसिपल शैल बी 20,000 पर लैपटॉप, या फिर वेयर द प्रिंसिपल एक्सरसाइज द ऑप्शन द वैल्यू शैल बी 19,800 पर लैपटॉप 90% ऑफ 22,000, इसका 90%। टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी?
ये इकोनॉमिकल होगा कि वो 90% वाला ले, इसलिए हमने 90% के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू निकाली है. 19800 इंटू 1000 लैपटॉप्स हैं इसलिए 1000, 198 लाख. फिर उसके ऊपर आप GST निकाल लीजिए एट द रेट 18%, CGST 9% एंड SGST 9%. ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ हो. अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं रूल नंबर 30. रूल नंबर 30 हमने देख लिया है, पर एक बार और हम देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है. ठीक है, तो रूल नंबर 30 क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट. कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं. तो हमने देखा है 110% हमको लेना है, लेकिन एक बार हम इसका मैटर क्या है वो पढ़ लेते हैं. ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज कैन नॉट बी वर्कड आउट बाय फॉरगोइंग मेथड्स, मतलब जो ऊपर के भी मेथड्स थे 27, 28, 29, उनसे अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो आप किससे निकालिए, रूल नंबर 30 से. इट्स वैल्यू विल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर या एक्विजिशन का 110% लेना है. ऑफ सच गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज, मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज की जो भी कॉस्ट थी वो आप ले लीजिए. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैव द ऑप्शन टू डायरेक्टली मूव टू रूल 31. सर्विस प्रोवाइडर्स के पास बस ऑप्शन है, देखिए ध्यान से देखिए, सर्विस प्रोवाइडर के पास ऑप्शन है कि वो रूल नंबर 31 को बायपास करके डायरेक्ट रूल 30 को बायपास करके डायरेक्ट रूल 31 में जा सकते हैं. सप्लायर ऑफ गुड्स को ये फॉलो करना पड़ता है रूल 27, 28, 29, 30, फिर 31 में जाते हैं. सप्लायर ऑफ सर्विसेज के पास ऑप्शन है, वो 27, 28, 29 के बाद डायरेक्ट 31 में जा सकते हैं या फिर रूल नंबर 30 में भी वो जा सकते हैं अगर चाहें तो, एज देयर नीड. ठीक है, सो इसके साथ हमारा रूल नंबर 30 भी कंप्लीट होता है. और लास्ट एक रूल मैं आपको बताना चाहूंगी, रूल नंबर 31A, जिसके साथ हमारा जो आपका सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा. देखिए रूल नंबर 31A क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, इनके लिए आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा. अ न्यू रूल 31A has been inserted in CGST rules, में हमने नया रूल डाला है 31A, to provide for valuation of supply of lottery and actionable claim in the form of chances to win in betting, gambling or horse racing in a race club. The rule provides that valuation of such supply will be governed by the specific provision set out in the said rule and not by any other valuation rule. ठीक है, तो इनके लिए आपको सिर्फ जो स्पेसिफिक प्रोविजन, मतलब रूल 31A के अकॉर्डिंग जो भी आपको दिया है वही फॉलो करना है, कोई और वैल्यूएशन रूल आपको फॉलो नहीं करना है. ठीक है, देखिए किन के लिए बताया गया है, सप्लाई ऑफ लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट अगर खुद चला रही है लॉटरी का क्या बिजनेस, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, हायर ऑफ द टू अमाउंट्स टू बी डीम्ड एज वैल्यू, हायर ऑफ द टू विल बी डीम्ड एज वैल्यू. क्या है, 100 divided by 112 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट. टिकट जितने की वैल्यू, जितने की टिकट है उसका 100 divided by 112 ले लीजिए. ठीक है, और 100 divided by 112 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. ऑफिशियल गैजेट में जो प्राइस डिफाइंड है उसका 100 divided by 112 ले लीजिए. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बताएगा कि इतना डिफाइंड है. ठीक है, बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, जिस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया उसका देखना है आपको. ठीक, सप्लाई ऑफ लॉटरी ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है, ये स्टेट गवर्नमेंट खुद चला रही थी, ये स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को ऑथराइजेशन दिया है कि आप भी चला सकते हैं. तो उसके लिए अब ये पूरा समझ लीजिए, ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट का था इसलिए इसमें 112 किया था. अब ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये कोई और पर्सन को उसने ऑथराइजेशन दिया है, ये प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं जिनको वो ऑथराइजेशन दे. ठीक है, इसीलिए उसको 100 divided by 128 रखा है, इससे ज़्यादा रखा है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का खुद का था, ये स्टेट गवर्नमेंट किसी को ऑथराइज कर रही थी. ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट या फिर 100 divided by 128 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट. ऑर्गेनाइजिंग स्टेट में, ऑफिशियल गैजेट में जो भी उन्होंने डिफाइन किया है, नोटिफाई किया है प्राइस, उस प्राइस का 100 divided by 128, दोनों में से जो हायर होगा वो आप क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट बाकी बचे हुए एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब, इनके लिए पूरा 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड इन द टोटलाइजेटर. ठीक है, तो आपको जितना भी 100% ऑफ फेस वैल्यू है वो लेना है.
मैम ये टोटलाइजेटर क्या होता है? टोटलाइजेटर मतलब जब आप बेट्स लगाते हैं तो उसमें अगर बहुत सारे विनर्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है? तो उसमें जितना आपने अमाउंट पे किया वो, या फिर 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट, ठीक है, वो आपको लेना है एज वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है? इसके साथ हमारा रूल नंबर 31A भी कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने 28, 29, 30 और 31A देखा, ठीक है? सो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की लेक्चर पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।